السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. السلام ورحمة الله وبركاته. जी शेख, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के मैटर पर पूछना था सवाल आपसे कि सऊदी के उलमा को मैंने तकरीबन सारे उलमा को मैंने ये बोलते हुए सुना है शेख कि जो ये प्रोटेस्ट करना है ये असल में सिरे से नाजायज है, चाहे आप इस्लामी मुल्क में हो या फिर डेमोक्रेसी में हो। तो लेकिन यहाँ पर इंडिया के बड़े बड़े उलमा इस चीज़ को अगर शरीयत रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाए तो इसको जायज करार देते हैं, इसमें सही ओपिनियन क्या है? देखिए, हमारी शरीयत में असल हुक्म तो ये है कि हाकिम के खिलाफ बगावत नहीं करनी है, मुजाहरा नहीं करना है, ये असल हुक्म है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां पर बाकायदा कानून की किताब में लिखा हुआ है कि आपको कुछ मांगना है तो प्रोटेस्ट कीजिए, ये गोया कि उस मुल्क का कानून है, आपको कुछ मांगना है प्रोटेस्ट कीजिए, तो वो गोया कि मुल्क के कानून के दायरे में वो जो है काम कर रहा है, तो वहां पे जायज है क्योंकि वहां बाकायदा मुल्क का कानून आपको कह रहा है कि भाई कुछ चाहिए प्रोटेस्ट कीजिए। तो वहां पर प्रोटेस्ट करने का जो कानून है कि आपका दायरा क्या होना चाहिए, उस दायरे में रहते हुए आप प्रोटेस्ट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की आपको इजाजत है लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देनी है, जो है रास्ता नहीं जाम करना है, तोड़फोड़ नहीं मचाना है, ना तो किसी की प्रॉपर्टी को आपको नुकसान पहुंचाना है, ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना है, ये यानी पुरअमन एहतजाज जिसको कहते हैं, तो पुरअमन एहतजाज की इजाजत आपके मुल्क का कानून दे रहा है आपको, तो गोया कि आप कानून में रह करके वो कर रहे हैं। बल्कि कई दफा अगर आप एहतजाज ना करो तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, तो यहां पर उसका दूसरा हुक्म है। लेकिन अगर ये कानून यहां पर नहीं होता तो हम यहां पर भी यही कहते कि एहतजाज करना, मुजाहरा करना, सड़कों पर निकलना, हाकिम के खिलाफ नारे लगाना ये जायज नहीं है।